हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. मेरा नाम है उज्मा एंड वेलकम बैक. आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है. यस, टुडे आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग लाइक मैंने एक छोटा सा मेरा एक व्लॉग बनाया है लाइक ऑन पानछेद डैम. मैं गई थी कुछ लास्ट 2 महीने पहले मैं गई थी पानछेद डैम, तो मैंने एक व्लॉग बनाया था एंड अभी मैंने वो एडिट किया. तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग लाइक मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियो डालू या नहीं डालू, बट देन आई थॉट कि यू नो चलो इतनी मेहनत से बनाया तो डाल ही देते. सो दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग एंड आई रियली होप आपको ये अच्छा लगे. लाइक एक छोटा सा इंसाइट है मेरी लाइफ में कि व्हाट ऑल मैंने मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे. एंड आई रियली होप आपको ये थोड़ा मजेदार लगे, इंटरेस्टिंग लगे, थोड़े चैनल के लिए भी कुछ नया हो जाएगा. सो कीप ऑन वॉचिंग. सो आज का प्लान है मैं जा रही हूँ पानछेद. ये आज संडे है तो मैंने सोचा कि कहीं घूमने जाते हैं एंड अभी बहुत लेट हो रहा है, एक्चुअली 12 बज रहे हैं, बट यस थोड़ा बहुत एंजॉय करने मिल जाए वही काफी है अभी. सो लेट अस गो. एंड हियर वी गो. तो वी क्रॉस्ड खड़कवासला डैम. वैसे तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पता नहीं क्यों, लाइक कुछ एक्टिविटीज़ होती नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं. देन हम लोगों ने क्रॉस किया सियागढ़ फोर्ट एंड देन वहाँ से हमने टर्न ले लिया पानछेद डैम के लिए. सो फाइनली वी हैव रीच्ड हियर एंड वी आर करेंटली एट पानछेद लेक. तो जो पानछेद डैम का जो बैक वाटर है वहाँ पे सिचुएटेड एक प्लेस है विच इज़ कॉल्ड दी पानछेद लेक एंड यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है, सो यू पीपल कैन एन्जॉय हैव फन. ये सर्फिंग वाली एक्टिविटी देखकर तो मैं बहुत डर गई थी बिकॉज स्विमिंग ऑलरेडी आती नहीं है. तो हम लोग लिटरली वी वर थिंकिंग कि हम लोग करें या नहीं करें, बट देन फाइनली हमने सोचा कि यू नो कर ही लेते हैं, डर के आगे जीते, जो होगा देखा जाएगा. एंड देन हम लोग निकल पड़े टिकट्स निकालने के लिए. सो अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए. हम लोगों ने फुल पैकेज लिया है फॉर सर्फिंग, कायाकिंग एंड समथिंग एल्स. सो एवरीथिंग इज़ सेट. तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने पहले ही फ़ोटोज़ खींच ली, क्योंकि भीगने के बाद चांस मिलता नहीं था तो हमने पहले ही फ़ोटोज़ ले ली सारी. और फिर उसके बाद हमने की कायाकिंग. कायाकिंग में एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनर्जी लग गई, लिटरली हाथ दर्द करने लग गए थे. एंड उसके बाद हम लोग चले गए स्पीड बोट के लिए. लाइक स्पीड बोट के लिए कुछ 4 से 5 लोग लगते हैं, तो ग्रुप में हम लोग गए थे. फाइनली बारी आती है सर्फिंग की. ओ माय गॉड, मैं यहाँ पे इतनी डर गई थी, इतनी कंफ्यूज थी. वो बंदा जो बोल रहा था मेरे सब बाउंसर जा रहा था, बट यस अब बस देखो मैं क्या क्या उससे बड़बड़ गई हूँ. साइड को पकड़, साइड को. इतनी बड़बड़ के बाद फाइनली निकल पड़ी मैं. ये एक्टिविटी करते वक्त तो मुझे लिटरली यू नो रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म्स जो होती है उस टाइप की फीलिंग हो रही थी, बड़ी हीरो टाइप की फीलिंग. बट यस इट वाज क्वाइट फन, क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट एडवेंचरस. यहाँ पे मुझे बोल रहे थे खड़े होने के लिए, बट मैं बहुत डर रही थी. लाइक फिर उन्होंने थोड़ी सी स्पीड कम की बोट की एंड फिर मैं खड़ी हो गई फाइनली. ये देखो अगेन लाइक अ हीरो. हाँ
बारी आती है पानी में गिरने की। वाटर एक्टिविटीज़ के बाद बारी आती है पेट पूजा की। तो वहाँ पे एंट्रेंस पर ही एक रेस्टोरेंट था, लाइक ढाबा टाइप में था, काफ़ी अच्छा था, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। और हम लोग पूरी तरह से भीग गए थे, तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किए गरम गरम चाय। उसके बाद माय फेवरेट कोथमीर की वड़ी, लाइक आई लव कोथमीर की वड़ी अ लॉट। और फिर हमने ऑर्डर किया चिकन कोल्हापुरी एंड उसके साथ थी भाकरी, चपाती एंड ऑफ कोर्स कांदा भुजी। पुणे के आउटस्कर्ट्स में आपको ऐसे इस टाइप का महाराष्ट्र फूड बहुत अच्छा मिलता है, स्पेशली वो गांव का थोड़ा बहुत टेस्ट आता है, तो इट वाज वेरी गुड। एंड स्पेशली वहाँ का जो सीन था, वहाँ पे बोटिंग चल रही थी, हम लोग लंच भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक क्वाइट सूदिंग एंड कामिंग एक्सपीरियंस था। So this was it guys, this was a small experience of me visiting Panchet Dam. Like ये छोटा सा vlog था, ये मेरा first vlog था I would say. तो I really hope आपको ये video अच्छा लगे and अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कुछ vlogs बनाती रहूँ अपनी life पर, अपनी experience पर, so please let me know, मैं going forward मैं बनाती रहूँगी। So चलिए with this I'll see you in my next video, till that time take care and bye.